हेलो व्यूवर्स, आज बात करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मौजूद देश बोलीविया के बारे में, जिसका ऑफिशियल नाम प्लूरी नेशनल स्टेट ऑफ बोलीविया है। एरिया की बात करें तो इसका कुल एरिया 10,98,581 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की सबसे बड़ी सिटी सेंटा क्रूज ला सियेरा है। बोलीविया दुनिया की सबसे ऊंची एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल लापास का घर है। ये समुद्र तल से लगभग 11,975 फीट की ऊंचाई पर है। इसकी आबादी तकरीबन 18 लाख है। हालांकि बोलीविया की ऑफिशियल कैपिटल सुक्रे है। जब बोलीवियाई लोग कैपिटल सिटी की बात करते हैं तो वो लोग लापास की बारे में बात कर रहे होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आबादी की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी 1,14,00,000 है। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो आपको यहाँ 11 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर दिख जाएंगे। यहाँ की करेंसी बोलीवियानो है, जो भारत के 10.80 रुपए के बराबर है। यहाँ की GDP सिर्फ $40 बिलियन है और पर कैपिटा इनकम $3,823 है। देश का एक तिहाई हिस्सा इंडियन माउंटेन रेंज में है। बोलीविया में सैन पेड्रो जेल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दुनिया भर की दूसरी जेलों के उलट ये स्पेशल जेल अपने कैदियों को अपने फैमिलीज के साथ रहने, काम करने और यहाँ तक कि अपने घर खरीदने या किराए पर लेने की परमिशन देता है। नॉर्थ युगंस रोड, जिसे किस्मत की सड़क या मौत की सड़क के रूप में भी जाना जाता है, ये रोड बोलीविया में ही है। ये 56 किलोमीटर लंबा है। हाल ही में जब तक हताहत से बचने के लिए रोड में सुधार किए गए थे, तब तक हर साल 200 से 300 लोग रोड से गिरने से मारे गए थे। बोलीविया की सभी सड़कों में से सिर्फ 11% ही पक्की सड़कें हैं। दिलचस्प बात यह है कि बोलीविया में 37 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें स्पेनिश और बाकी 36 स्वदेशी लैंग्वेजेस हैं। बोलीविया में मेन स्पोर्ट फुटबॉल है। ये बोलीविया का नेशनल स्पोर्ट भी है। इस देश में लगभग आधी लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में लगी हुई है। ये देश वेनेजुएला के बाद साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे गरीब देश है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व है और बोलीविया के पास साउथ अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का रिजर्व है। फिर भी ये दोनों देश काफी गरीब हैं। 5 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशन फ्री और कंपलसरी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले कुछ सालों में हर साल लगभग यहाँ 9.5 लाख टूरिस्ट बोलीविया आए हैं और ये तादाद हर साल बढ़ रही है। बोलीविया दुनिया की 95वीं सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, जिसमें नेचुरल गैस, सिल्वर, जिंक, लेड, टिन, गोल्ड और सोया के प्रोडक्ट्स सोयाबीन शामिल हैं। जबकि इंपोर्ट की बात करें तो ये मेनली मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, व्हीकल्स, आयरन, स्टील, प्लास्टिक्स इंपोर्ट करता है। बोलीविया में 36 स्वदेशी कल्चर्स हैं, जो कि कुल आबादी का 62% से 70% के बीच है। हर एक की अपनी कस्टम और लैंग्वेजेस हैं। केशवा बोलीविया की सबसे बड़ी कल्चर है, जबकि आयमारा इस बोलीविया कंट्री की दूसरी सबसे बड़ी कल्चर है। बोलीविया में सबसे आम मीट चिकन का मीट है। बोलीविया में सैकड़ों रेडियो स्टेशन हैं और ये यहाँ के रूलर यानी गाँव के हिस्सों में बहुत ज्यादा सुना जाता है। ऊंचाई के इफेक्ट का मुकाबला करने के लिए बोलीवियाई लोग कोका खाते हैं, जिसके वजह से यहाँ के लोगों के गालों में एक उभार दिखता है। बोलीविया में अमेजोन में डॉल्फिन्स गुलाबी रंग की पाई जाती हैं, जिसे बोलीवियाई बुफे ओ कहते हैं। इसे बोलीविया की कुदरती विरासत घोषित किया गया है। 18वीं सदी के दौरान बोलीविया को अपर पेरू के नाम से जाना जाता था। बोलीविया को 6 अगस्त 1825 में स्पेन से आजादी मिली। सन 1831 में बोलीविया में गुलामी का खात्मा किया गया। बोलीविया का पहाड़ी वेस्टर्न इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा आबाद इलाकों में से एक है। बोलीविया दुनिया भर में प्रोड्यूस किए जाने वाले सभी ब्राजील नट्स का 70% हिस्सा तैयार करता है। एक सोर्स के हिसाब से लगभग 25 मिलियन टन हर साल मेनली ब्राजील, USA और यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। अफसोस की बात है कि बोलीविया की दूसरी सबसे बड़ी झील, जिसका नाम झील पूपो है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी तरीके से सूख गया है। इस देश में टीकाकाका झील है, जो समुद्र तल से 12,507 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची झील है। इसका एरिया 8,300 स्क्वायर किलोमीटर है। ये बोलीविया और पेरू के बीच साझा किया जाता है। बोलीविया में 18 से 22 साल की उम्र के सभी मर्दों के लिए मिलिट्री सर्विस लेना जरूरी है। बोलीविया में दुनिया का सबसे बड़ा नमक फ्लैट, जिसका नाम सालार डी यूनी है, इसका एरिया 10,582 स्क्वायर किलोमीटर है और समुद्र तल से 3,656 मीटर ऊपर है। इसमें दुनिया के लिथियम रिजर्व का 50% से 70% हिस्सा है और ये बोलीविया के सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स इस देश के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।